पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। ठीक है माँ, आप जैसा कह रही है वैसा ही होगा। लोग बहुत थक गए हैं, कमरे में जा सकते हैं। ऑफ कोर्स बेटा, कुछ खाने के लिए चाहिए होगा तो बोल देना। पल्लवी तुम भी कुछ चाहिए होगा तो मांग लेना। बेझिझक अपना। अरे ये कैसी शर्त रख दी तुमने? ऐसा कोई करता है क्या भला? मैं शुरुआत मैंने नहीं की थी, उस लड़की ने की थी। मैंने मानी ना, वो बातें ठीक थी, ठीक थी वो शर्तें, मान ली ना मैंने। दीदी दीदी बच गए हम। अभी तक हमारा बेटा अपने हाथ से नहीं गया है, अभी भी मौका है हमारे पास, समझ रही हैं आप? बस ऐसे ही अपनी ये जो लगाम है ना, कसी रहना। पापा, are you okay? बिल्कुल ठीक हूँ। वो क्या हुआ ना, राहुल बहुत क्रैंकी हो गया था, थक गया था ना, इसलिए तनु से लेकर चले गए। आपसे मिल नहीं पाए ना, तो उसने मुझे कहा कि आपको बता दो। कोई बात नहीं है, तुम लोग भी थक गए होंगे, तुम लोग भी घर जाओ। लेकिन पापा हम यहीं पे हैं, हम कहीं नहीं जा रहे। नहीं पापा, हम लोग यहाँ रुक रहे, आपको अकेले छोड़ के कैसे जाएंगे? अरे पल्लू भी तो जाया करती थी काम पे, मैं सब कुछ अकेले ही संभाला करता था, है ना? पापा आपको अकेले जो... रुको, लो मिठाई अपने साथ ले जाओ, और मेरी बात मानो, मुझे ना जो मौका मिला है अकेले शांति में रहने का, सोचा कर मैं अपने साथ अकेले में रहूंगा, खुश रहूंगा, आराम करूंगा थोड़ा सा। तुम लोग जाओ आराम करो। जी तेरे बेटे, टेक केयर। सही कहती थी, पल्लू के जाने के बाद ये आंगन सूना हो जाएगा, मुझे आदत डालनी होगी सूने आंगन को अपनाने की। भगवान करे पल्लू अपनी जिंदगी में खुश हो, अपना आंगन बसाए, भगवान उसके साथ सब ठीक ठाक हो। लवी बहुत सुंदर है यार, नहीं? पल्लवी, पल्लवी, I know तुम upset हो। मैंने माँ को जो भार promise किया, इसलिए ना। आकाश, मैं पापा को call तक नहीं कर सकती। ये कोई कैसे expect कर सकता है? पल्लवी, trust me,
आई टोटली अंडरस्टैंड कि तुम्हारे ऊपर इस टाइम क्या बीत रही होगी, पर मुझे मॉम को भी संभालना पड़ेगा ना। वो हमारी शर्तों की वजह से ऐसे रिएक्ट कर रही है। पल्लवी, हमने सबके सामने सब कुछ बता दिया, आई एम ओके विद इट। लेकिन मॉम को तो थोड़ा हर्ट होगा ना, तो इसलिए बस। बट आकाश, अगर मैं पापा से बात तक नहीं कर पाऊंगी, आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये कैसे पॉसिबल होगा आकाश? वो अकेले है, ये तो सही नहीं होगा ना। दवाई लेना भी भूल जाते हैं, कैसे मैनेज करेंगे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। पल्लवी, आई नो दैट एंड ट्रस्ट मी, कुछ तो करेंगे। अगर तुमसे नहीं हो पाएगा तो मैं करूंगा, मेरे भी तो पापा है और मुझ तो अलाउड भी है ना। पल्लवी, यहां देखो, ओके? पल्लवी, आपने प्रॉमिस किया है कि चाहे प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हम साथ मिलकर उसका सलूशन ढूंढेंगे, है ना? ना मैं जो माँ को प्रॉमिस किया वो टूटने दूंगा और ना ही अपनी पल्लवी का दिल। पल्लवी, क्या हुआ? भरोसा नहीं है मुझ पे? बताइए, इतनी जल्दी मेरे ट्रस्ट की एक्सपायरी डेट आ गई यार, इतनी मेहनत से बनाया था। सॉरी, तुम्हारे जख्म नहीं भरे अभी तक आकाश, और गोदी उठा के अंदर लाने वाले थे, दवाई लिए? आकाश, अभी फटाफट से दवाई लो और सो जाओ, तुम्हें आराम की जरूरत है। कहाँ है तुम्हारी दवाई? आराम करो, क्या सो जाओ। शेफ साहिबा, आपको पता नहीं है कि आज की रात नहीं सोते, ये भी सिखाना पड़ेगा। बड़े बदतमीज हो रहे हो तुम, चुपचाप दवाई खा के सो जाओ। माँ माँ होती है और एक सास सास होती है, चाहकर भी एक सास कभी माँ नहीं बन सकती। अंकल, चाय। आप कहाँ खो गए थे? वो मैं मन में पूजा कर रहा था, दिमाग से निकल गया। भाई ये क्या शॉल? डिनर किया आपने? शादी में भी ठीक से खाया नहीं होगा, और इतनी रात को चाय पियेंगे तो एसिडिटी हो जाएगी आपको। देखो, पल्लो ने मुझे कहा था कि आपका ध्यान रखना। तू मेरी चिंता मत कर, मैं संभाल लूंगा। नहीं, मैं खाना लेकर आता हूँ आपके लिए। अरे मोंटी। और अंकल जी, आप सब्जियां बाहर रख सकते हैं, ठंड बढ़ रही है। ये देखिए, आपके लिए खाना निकाल दिया है, गरम कर दो। रख दे, मन होगा तो मैं खा लूंगा, तू मेरी फिक्र करना छोड़ दे बस। ये मत सोचिए ना मैं आपको खाना दे रहा हूं, ये सोचिए कि पल्लो आपको खाना दे रही है। ये देखो पापा का डिनर, भिंडी कम नमक वाली, और ये पापा के लिए खीर। थैंक यू। पापा की खीर, कम चीनी, सिर्फ 2 चम्मच। सबसे पहले हम खीर से शुरुआत करते हैं, हाँ? पल्लो ने खास बनाई है मेरे लिए। ये ठीक नहीं है। आस्था हमेशा कहती थी खीर का गिरना अपशगुन होता है, पहले चाय तब खीर। नहीं, मुझे पल्लों की चिंता हो रही है। अंकल जी कोई बात नहीं, मैं साफ कर देता हूँ, आप ना बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, अभी तो शादी होके गई है, ठीक है सब, क्या होगा पल्लों को? नहीं, मेरा मन नहीं मान रहा, मेरा मन नहीं मान रहा मोंटी, पल्लो ठीक नहीं है।
पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।